हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छी होंगे। तो मैंने यहाँ एक पार्टी मेकअप लुक किया है। तो सबसे पहले मैंने आईब्रो डिफाइनर लिया है, जिससे कि मैं सबसे पहले आईब्रो डिफाइन ड्रॉ करूँगी। ड्रॉ कर लिए हैं यहाँ मैंने पाउडर बेस से आईब्रो। देन उसके बाद मैंने 3 कलर करेक्टर लिया है, ऑरेंज से। एरिया बहुत ज़्यादा ब्लैक था एंड फॉरहेड भी बहुत ज़्यादा ब्लैक था एंड अपर लिप्स एरिया भी, माउथ के अराउंड बहुत ज़्यादा ब्लैक एरिया था। तो हम अपने बेस को अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से इक्वल कर लेंगे। और इन दीदी ने फेशियल या क्लीनअप कुछ भी नहीं कराया था। तो यहाँ मैंने ले लिया पिंक शेड, जो कि मैं आउट कॉर्नर से मिड तक इक्वल करूँगी। और हम अपना आई शेडो अच्छे से ब्लेंड करेंगे। आउट कॉर्नर थोड़ा सा हम डार्क रखेंगे यहाँ, जैसा कि आप देख सकते हो। तो सेम आउट कॉर्नर से थोड़ा सा डार्क ले लेंगे। थोड़ा मैंने यहाँ डार्क शेड ले लिया है पिंक ही। यहाँ दीदी को हंसी आ रही थी, हम कुछ बातें कर रहे थे तरीके की। यहाँ मैं ग्रीन का टच दूंगी, क्योंकि इनका जो लहंगा है वो पिंक एंड ग्रीन था। तो यहाँ मैंने ग्रीन शेड लिया है। थोड़ा सा डस्ट यूज करूँगी मैं ग्रीन शेड पे। देन मैंने उसके बाद यहाँ गोल्डन हाइलाइटर यूज किया है, जो कि डस्ट फॉर्म में है। उसके बाद मैंने आईब्रोज के नीचे थोड़ा सा हाईलाइट किया है हल्का। देन उसके बाद मैंने यहाँ सुस ब्यूटी का लाइनर लिया है, लिक्विड लाइनर। कभी भी गाइस आप मेकअप करवाते हो तो मेकअप से पहले आप एक क्लीन अप या एक फेशियल या ब्लीच ज़रूर लें, जिससे कि आपकी स्किन मेकअप के लिए अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाती है। तो यहाँ मैंने लैक्मे का लिया है मस्कारा। अच्छे से हम लैशेस को मस्कारा करेंगे। हाँ, कलर फील का प्राइमर यूज किया है मैंने, जो कि जेल फॉर्म में है। और प्राइमर हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग एंड हमारे ओपन पोर्स को क्लोज करता है। एंड उसके बाद मैंने फिर से यहाँ कलर करेक्टर लिया है। गाइस बीच में कॉल आ गया था, तो यहाँ आप अपने बेस को ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लेंगी।
जैसा कि आप देख सकते हो। ये एरिया इनका कुछ ज़्यादा ही डार्क था, फोरहेड एंड अपर लिप्स एरिया, माउथ अराउंड। तो यहाँ हमने अपना कलर करेक्टर अच्छे से कर लिया ब्लेंड। देन उसके बाद मैंने बेस लिया है FS22। इसे भी हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ लिया है मैंने फाउंडेशन, इसकी ही स्किन टोन का कलर थोड़ा सा डार्क था, इस वजह से मेरे को इतना बेस बनाना पड़ा इनके फेस पे। तो हम अपने फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे गाइस। यहाँ ले लिया है हमने काजल जो कि परसोनी का है। तो अच्छे से हम फिल करेंगे वाटर लाइन पे काजल को। देन उसके बाद मैंने यहाँ ले लिया मिस क्ले का लूज पाउडर, जो कि समर सीजन है तो पाउडर हम अच्छे से लगाएंगे यहाँ। देन उसके बाद मैंने ले लिया है यहाँ ब्लशर फॉरएवर का। यहाँ ज़्यादा ब्लशर नहीं लगाना था तो मैंने लाइट ही रखा है इधर। यहाँ मैंने ले लिया लिप बाम मैक की, जिससे हमारी लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिक एंड लिप्स सॉफ्ट रहें। तो यहाँ मैंने लिपस्टिक का पिंक शेड लिया है, लहंगे के ड्रेस के मैचिंग का लिपस्टिक शेड है ये, काफ़ी अच्छी लिपस्टिक है गाइस, लॉन्ग लास्टिक है, 10 से 12 घंटे आराम से चल जाती है। इस यहाँ मेकअप तो हो चुका है हमारा डन, एंड यहाँ हम दुपट्टा अपना अप कर रहे हैं। आपस में हम काफ़ी टाइम बाद दिए दीदी और मैं मिले थे, तो काफ़ी सारी बात कर रहे थे, तो हमें हंसी भी आ रही है, पता नहीं किस बात पे आ रही है। तो लेफ्ट हैंड पे मैंने यहाँ दुपट्टा टंग किया है अच्छे से। आप दुपट्टे को छोटी छोटी सी प्लेट्स बना लें, प्लेट्स बना के शोल्डर से पिन टक करें, और आप देख सकते हो किस तरीके से मैंने दुपट्टा पिनअप किया है बहुत ही इजी तरीके से। हमारा दुपट्टा पिनअप हो गया है। देन उसके बाद उनके बाल ओपन थे तो मैंने यहाँ बालों को रोल कर दिया था, और
ओवरऑल लुक आप ये देख सकते हैं इस तरीके से। अगर आपको ये पार्टी मेकअप लुक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं। और दीदी की स्किन काफ़ी बेकार हो रखी थी पहले मेकअप करने से पहले।